नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शी। किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन एक दिन पहले ही कई राजनीतिक दलों ने मोर्चा संभाल लिया है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने कृषि कानून के मसले पर किसानों के समर्थन की बात की है। दूसरी तरफ किसानों ने मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली से लगने वाले कई बॉर्डर बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज डीएनडी पर लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और साथ ही नोएडा दिल्ली बॉर्डर भी बंद है। किसानों के मुताबिक 8 दिसंबर का भारत बंद शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो आंदोलन तेज करेंगे और दिल्ली पहुंचने वाली और सड़कें बंद कर देंगे। कल किसानों के भारत बंद से पहले आज दिल्ली में भारत बंद का ट्रेलर देखने को मिला। सड़क पर महाभारत, 8 दिसंबर को बंद होगा भारत। सरकार किसानों को समझाए, विपक्ष आंदोलन को भड़काए। ये तस्वीरें आज की हैं, लेकिन इस लंबे जाम को देखकर आप कल के भारत बंद के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर जाम लगा हुआ है। जी न्यूज के ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में आम जनता की परेशानी साफ नजर आ रही है। देखिए किस तरह जाम लगा है और कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली और आसपास यानी नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद सभी जगह के लोग परेशान। किसी को ऑफिस तो किसी को अस्पताल पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में शुरू हुआ किसान आंदोलन 12वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन हालात 12 दिन पुराने। सरकार संशोधन और समझौते कर आंदोलन खत्म करवाना चाहती है तो किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने सरकार को साफ कह दिया है कि कानून रद्द होने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वो दिल्ली की तरफ जाने वाली और सड़कों को बंद कर देंगे। आंदोलन को तेज करना हमारा कोई शौक नहीं है, आंदोलन तेज करना हमारा मजबूरी बन गया है, क्योंकि केंद्र सरकार हमसे मजबूर कर रही है लगातार हमारी जो मांगे हैं, जो देश में तीनों जो खेती विरोधी कानून हैं उनको बदलने के लिए सरकार अग्रसर नहीं है। वो लगातार इसके लिए संजीदगी से कम नहीं ले रही और हमारा दबाव इसीलिए बढ़ाना पड़ रहा है। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के दौरान दिल्ली के आसपास जाम लगना तो तय है। रेल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। बाजार से लेकर सामान्य जीवन तक बुरा असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में कल आप इन सभी बातों का ख्याल रखें। जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें, राज्यों के बॉर्डर के करीब ना जाएं, बच्चे और बुजुर्ग घर में ही रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें, कोई अफवाह न फैलाएं, ऑफिस जाने के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें, ट्रैफिक से जुड़े अपडेट लेकर ही घर से निकलें। भारत बंद से जुड़ी जानकारी के लिए जी न्यूज जरूर देखें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, कोरोना काल है इसीलिए विशेष ख्याल रखें। सरकार भी आंदोलनकारियों से निपटने के एहतियाती कदम उठाती दिख रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के बॉर्डर से आई, जहां किसी भी हालात से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सरकार किसानों को समझाने के लिए बैठकों पर बैठक कर रही है तो किसान आंदोलन को तेज करते जा रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है, जहां सुरक्षा बल मॉक ड्रिल कर हर हालात से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के सामने सबसे आगे होगी रैपिड एक्शन फोर्स की टीम, जो जमीन पर बैठकर किसानों से आगे न बढ़ने का निवेदन करेगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस भी ऐसे ही जमीन पर बैठकर गांधीगिरी से किसानों को समझाएगी। तब भी हालात नहीं संभले तो बीएसएफ की टुकड़ी एक्शन में आएगी। तो कुल मिलाकर आंदोलन अभी खत्म होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डटे हजारों किसान प्रदर्शनकारियों के लिए कैसे रोटी बन रही है। रोटी मशीनों से किसानों के लिए तैयार की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, मशीनों के जरिए अब किसानों के लिए रोटियां यहां पर बनाई जा रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहां पर किसान जुटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 12वां दिन है आज, तो ऐसे में खाने पीने का इंतजाम भी वहीं पर इन सभी किसानों के लिए, और अब मशीनों के जरिए खाना तैयार किया जा रहा है।
रोटियां बनाई जा रही है। तो अपने खाने पीने का इंतजाम किसान खुद ही कर रहे हैं, वहीं पर जहां इन्होंने आंदोलन के लिए डेरा जमाया हुआ है वहीं पर खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, खाना बन रहा है। और ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं जहां पर मशीनों से रोटियां बनाई जा रही हैं। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।